एवरीवन, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, अब आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी। एक ये एक नया यूनिट है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। ठीक है, तो जिस तरह से जियोमॉर्फोलॉजी हमने पढ़ा, जिस तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी होता है, उसी तरह से क्लाइमेटोलॉजी होता है। ठीक है, तो देखिए क्लाइमेटोलॉजी किस चीज का पार्ट है। ठीक है, तो इस चीज को जानने के लिए देखिए, एक क्या होता है वायुमंडलीय विज्ञान। ठीक है, एटमॉस्फेरिक साइंस। वायुमंडलीय विज्ञान को हम लोग थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक एक आता है एरोलॉजी, ठीक है, वायु विज्ञान। दूसरा आता है मेट्रोलॉजी, जिसमें आता है जो होता है ऋतु विज्ञान। और तीसरा आता है क्लाइमेटोलॉजी, जो होता है जलवायु विज्ञान, जिसे हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, एरोलॉजी में हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, मेसोस्फेयर हो गया। तो इन सब के बारे में हम लोग किसमें पढ़ते हैं, वायु विज्ञान या एरोलॉजी में पढ़ते। उसके बाद आता है हमारा मेट्रोलॉजी, इसमें मेजरली हम लोग ट्रोपोस्फेयर के बारे में ही पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आता है क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान क्या है कि जितने भी वेदर कंडीशंस होते हैं, ठीक है, जितने भी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं, उन सब का परिणाम कौन है, क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान। ठीक है, इसे भी आगे चलकर एक और पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसे कहा गया है अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, तो अब हम इसी को पढ़ने वाले, क्लाइमेटोलॉजी। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ये क्या होता है। ठीक है, अब ये जो जलवायु विज्ञान है या क्लाइमेटोलॉजी, अगर इसको हम डेफिनेशन से जाने, इसमें मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा है, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ, ठीक है, आप उसको भी लिखते हुए चलिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, कुछ चीजें हैं कि जिसे मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है। ठीक है, तो उसे आप क्या करिए कि खुद से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, हर चीज मैं यहाँ नहीं लिख सकती हूँ, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो उन चीजों को आप खुद से भी लिख लिया करिए। ठीक है, तो जैसे जलवायु विज्ञान का अगर हम डेफिनेशन देखें, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है कि वायुमंडल में मिलने वाली जितनी भी तरह की गैसें और जितनी भी तरह की होने वाली घटनाएं हैं, उन या फिर वायुमंडल के संगठन है, वायुमंडल की संरचना है, इन सब का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, जलवायु विज्ञान कहते हैं। एग्जाम में ये आ सकता है, अक्सर आता है हमारे हमारा जो यूनिट पर ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जैसे आपका है जलवायु विज्ञान, तो इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जलवायु विज्ञान किसे कहते हैं। तो वायुमंडल में मिलने वाली समस्त गैसों, होने वाली समस्त घटनाओं और वायुमंडल के संगठन के अध्ययन को क्या कहते हैं, जलवायु विज्ञान कहते हैं। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है कि वायुमंडलीय संगठन या वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर। ठीक है, तो देखिए वायुमंडल क्या होता है कि संगठन और संरचना, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वायुमंडल और संरचना। तो संगठन क्या होता है कि वायुमंडल किन चीजों से मिलकर बना है, और संरचना यानी कि वायुमंडल का स्ट्रक्चर कैसा है। इससे पहले ये देखिए कि वायुमंडल किसे कहते हैं। ठीक है, ये आप सब जानते होंगे कि एटमॉस्फेयर या फिर वायुमंडल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ कई सौ से कई हजार किलोमीटर में जो गैसीय आवरण फैला हुआ है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, तो पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी पर ही नहीं, पृथ्वी की सतह पर नहीं, पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों तरफ कई सौ से कई हजार किलोमीटर तक फैली हुई या व्याप्त जो गैसीय आवरण होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब देखिए इसमें संगठन या संरचना, तो संगठन और संरचना में क्या डिफरेंस है, इसको इस तरह समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक केक है, ठीक है। अब देखिए इसमें अब इस केक को बनाने में जो भी मटेरियल्स यूज हुए हैं, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं मैदा, क्रीम, बेकिंग पाउडर, एग,
या एक को हम हटा भी देते, एगलेस क्रीम, एगलेस केक भी होता है। तो जो बेसिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैदा हो गया आपका, ऑयल हो गया, बटर हो गया, और क्रीम हो गया, कोको पाउडर हो गया, या फिर आप लोग फ्लेवर के लिए और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हमने ऐड की, ठीक है, एक केक को बनाने के लिए जिन मटेरियल्स का यूज हुआ, तो वो हो गया संगठन, ठीक है। और संरचना की बात करें तो ये देखिए, ये केक कितने टीयर का है, तो 3 टीयर का है, 3 टीयर का है, ठीक है। तो ये जो 3 टीयर इसका हुआ, लेयर दिख रहा है इसका, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, ये संरचना, यानी कि कैसी दिखाई दे रही है, ये हो गया संरचना। और इसको बनने में किन किन चीजों, क्या क्या चीजें मिली हुई है इसमें, किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है, वो हो गया संगठन। तो हम आज क्या पढ़ने वाले, संगठन, वायुमंडल का संगठन। तो संगठन कहने का मतलब हुआ कि वायुमंडल में कौन कौन सी चीजें मिली हुई है, वायुमंडल में क्या क्या चीजें पाई जाती है। जैसे अगर गैस पाया जाता है तो कौन कौन तरह का गैस पाया जाता है, और उसमें अगर जल वाष्प होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो इन सबको हम क्या कहते हैं, संगठन। संगठन मीन्स जिन चीजों से मिलकर बनी है, और संरचना मीन्स की कैसी दिखाई देती है, ठीक है। यही डिफरेंस होता है संगठन और संरचना के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे संगठन और कल हम पढ़ेंगे संरचना, ठीक है। देखिए, इस चीज को हम एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए हमारी हमारी पृथ्वी, ठीक है। हमारी पृथ्वी में पेड़ पौधे हैं, उचावच है, और कुछ जैसे समुद्र है, नदी है, तालाब है, ठीक है। तो यहाँ ये जो प्लांट है, यानी कि पेड़ पौधे, उचावच, या जो भी नदी है, तालाब है, समुद्र है, ये सब कितने किलोमीटर में, तो सिर्फ 1 ही किलोमीटर में फैले हुए हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा बायोस्फीयर, ये 1 किलोमीटर में फैला हुआ है। और उसके बाद हमें क्या मिलता है, वाटर वेपर मिलते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर डस्ट पार्टिकल्स मिलते हैं हमें, ठीक है। और उसके ऊपर हमें क्या मिलता है, हीलियम जैसे गैसें मिलते हैं, ठीक है। जो सक्रिय गैसें होती है वो नीचे होती है, जो कम सक्रिय होती है वो थोड़ी ऊपर मिलती है हमें, ठीक है। हमारा जो वायुमंडल है वो 32 किलोमीटर में 99% तक फैला हुआ है, यानी कि 32 किलोमीटर में ही हमारा 99% वायुमंडल पाया जाता है। सिर्फ 1% वायुमंडल है जो 32 किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं कि किस गैस, कौन सी गैस कितने किलोमीटर तक पाई जाती है। तो सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन 120 किलोमीटर तक पाई जाती है। उसके बाद आता है हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। फिर आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 90 किलोमीटर तक पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा ये 20 किलोमीटर पर पाई जाती है, ठीक है। 0 से 20 किलोमीटर तक ये सबसे ज्यादा पाई जाती है, लेकिन इसका कुछ कुछ पार्ट, मतलब थोड़ा थोड़ा करके ये 90 किलोमीटर तक मिलती है। उसके बाद आता है ओजोन, तो ओजोन क्या है कि 55 किलोमीटर तक मिलती है, लेकिन ये कहा जाता है कि 15 या 12 से 35 किलोमीटर तक सबसे ज्यादा इसका जो सांद्रण है वो पाया जाता है। सबसे ज्यादा ये कहाँ पाया जाता है, तो 10 से 15 या 12 से 35 किलोमीटर तक ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा जल वाष्प, जो सिर्फ 5 किलोमीटर तक ही पाया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे वायुमंडल के संगठन को। तो हमारा जो वायुमंडल है, इसमें 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे गैस के बारे में, ठीक है। तो गैस क्या है, तो गैस होता क्या है, तो वायुमंडल की जो गैस की संरचना है वो 2 प्रकार से होती है, ठीक है। वायुमंडल की जो गैसीय संरचना है वो कितने प्रकार से होती है, 2 प्रकार से होती है। एक होता है स्थिर गैस और एक होता है अस्थिर गैस। इस स्थिर गैस यानी कि कांस्टेंट गैस या परमानेंट गैस को हम स्थायी गैस भी कहते हैं, और इस अस्थिर गैस को परिवर्तनशील गैस भी कहते हैं। इस स्थिर गैस का उदाहरण है हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। अस्थिर गैस का उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम। अब देखिए, स्थिर गैस किसे कहते हैं और अस्थिर गैस किसे कहते हैं। स्थिर गैस मीन्स कि वायुमंडल में उसका प्रतिशत
उतना ही रहेगा जितना शुरू से है। जैसे कि नाइट्रोजन 78.08% इसका पहले भी था, अभी भी है, ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि इसका प्रतिशत कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। आइस एज के टाइम पे आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा थी वो कम हो गई थी, जिस वजह से आइस एज आया, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा स्थिर रहती तो अर्थ में, हमारी पृथ्वी में कभी भी आइस एज नाम की कोई चीज होती ही नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब इस टाइम पे, वर्तमान टाइम पे क्या हो रहा है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी मात्रा बढ़ रही है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो गर्मी होगी, ठीक है, हीट पैदा होगी, और अगर घटती है तो ये क्या होगा, आइस एज का रूप ले लेगी हमारी पृथ्वी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना और घटना दोनों ही हमारे लिए नुकसानदेह है, ठीक है। और इसी कार्बन डाई और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बिना हम अपना लाइफ हम अपने लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो भी हमारी लाइफ को खतरा है, और अगर घटती है तो आइस एज जैसी समस्या आ जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा घटेगा तो नहीं, ज्यादा घट जाएगा तो आइस एज जैसी समस्या हम लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो स्थिर गैस और अस्थिर गैस क्या, तो स्थिर गैस और अस्थिर गैस क्या होती है? स्थिर गैस यानी कि जिसका प्रतिशत वायुमंडल में समान रहता है, स्थिर रहता है, कभी भी बढ़ता या घटता नहीं है। अस्थिर गैस मींस कि उसका जो प्रतिशत है वो बढ़ते घटते रहता है, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम आते हैं। इसके अलावा कुछ इनएक्टिव गैस भी होते हैं, असक्रिय गैस भी होते हैं, जो कि किसी भी तरह की रासायनिक क्रिया से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मींस कि वो किसी भी तरह से क्रिया नहीं करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा सक्रिय गैस है, बहुत ही जल्दी किसी भी रसायन से वो क्रिया कर लेती है, ठीक है, रिएक्शन करती है। लेकिन कुछ गैस ऐसे भी होती है जो रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है, दूसरे गैसों से नहीं मिलती है, जिससे क्या जाता है, जेनॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन, और ये सब हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। है नाइट्रोजन, सबसे पहला हम क्या देखेंगे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है कि ये एक स्थिर गैस है, नाइट्रोजन क्या है, एक स्थिर गैस है। अब देखिए, इस नाइट्रोजन की खोज जो है वो 1772 में किया गया था, रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। 1772 में रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन गैस की खोज की थी, और इसका नाम उस टाइम पे मेफिटिक एयर दिया था। नाइट्रोजन की खोज जब रदरफोर्ड ने 1772 में किया था, तो उस टाइम पे इसका नाम जो है वो मेफिटिक एयर। ये एक स्थिर गैस है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है, इसका प्रतिशत 78.08%, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर होमोस्फेयर बनाते हैं, यानी कि सममंडल बनाते हैं, जो कि 90 किलोमीटर में पाई जाती है, और ये वायुमंडल का 99% हिस्सा है। इसका सबसे अधिक विस्तार हमें 100 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। ये जो नाइट्रोजन है ये हमारे वायुमंडल, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट कि आप नोट कर सकते हैं, ये जो नाइट्रोजन है ये हमारे वायुमंडल में 7 रूप में पाई जाती है, ठीक है। कितने रूप में पाई जाती है, 7 रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2 आण्विक नाइट्रोजन, NO2 नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, NH एमिनो, NH3 अमोनिया, HNO2 नाइट्रस एसिड्रस, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन है, जीव मंडल में नाइट्रोजन चक्र चलता है, ठीक है, ये तो आप जानती है कि नाइट्रोजन चक्र चलता है। इसके बाद बात करते हैं हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है वो सबसे अधिक अत्यधिक सक्रिय गैस होती है, इसका सांद्रण 0 से 120 किलोमीटर तक होता है। ये ह्यूमन रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन क्रिया में ये सहायक होती है, श्वसन क्रिया के लिए ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। ये वायुमंडल में 20.94% यानी कि लगभग 21% पाई जाती है। उसके बाद आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अस्थिर और परिवर्तनशील गैस होती है, ठीक है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खोज 1752 में की गई थी, ठीक है।
इसका प्रतिशत वायुमंडल में 0.03 से 0.04 तक होता है। ये दो हमारे वायुमंडल में ये दो प्रकार से प्रभाव डालती है, एक मौसम और दूसरा जलवायु। जलवायु में ये ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव डालती है और उससे तापमान मेंटेन होता है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस का निर्माण होता है। अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उच्च हो जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा यानी कि वैश्विक उष्मीकरण होता है, और अगर निम्न हो जाती है तो आइस एज जैसी समस्या यानी कि वैश्विक शीतकरण देखने को हमें मिलता है। ये गैस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होती है। औसत ये 90 किलोमीटर तक पाई जाती है, इसका सबसे अधिक विस्तार 20 किलोमीटर तक पाया जाता है। अब आपने एक नाम सुना होगा कार्बन सिंक, ठीक है, या कार्बन कुंड जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो ये कार्बन कुंड क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं समुद्र के ऊपर, जब कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है जैसे हमारा पृथ्वी है, ठीक है, तो कहीं पर समुद्र आ गया, तो समुद्र के ऊपर जो वायुमंडल है तो वहां पर जब कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है तो ये समुद्र जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। किस रूप में? कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, ठीक है, जिससे क्या बन जाता है, CaCO3। इसे ही हम क्या बोलते हैं, कार्बन कुंड के नाम से जानते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा ओशनिक जो कार्बन सिंक है वो प्रशांत महासागर में, और दूसरा रेन फॉरेस्ट होता है, ठीक है, वर्षावन जो कि क्या है, अमेजोन का जंगल। तो यहाँ सबसे बड़ा कार्बन सिंक पाया जाता है रेन फॉरेस्ट में, और ओशन में सबसे बड़ा कार्बन सिंक जो पाया जाता है वो होता है प्रशांत महासागर, ठीक है। कार्बन सिंक क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब समुद्र के ऊपर का वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है तो वहां क्या होता है कि जो जल होता है, समुद्री जल जो होता है, वो कार्बन को कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अवशोषित कर लेता है और क्या बनाता है, कार्बन कुंड बनाता है, ठीक है। क्या है ओजोन, ठीक है, तो ये ओजोन जो है ये एक अस्थिर गैस है, यानी कि इसका आपने भी सुना होगा कि ओजोन कभी बढ़ गया कभी घट गया, ठीक है, ओजोन का जो प्रतिशत है वो बढ़ता घटता रहता है। इसे हम पृथ्वी की छतरी भी कहते हैं, अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ भी इसे कहा जाता है ओजोन को। और ये जो है ओजोन, ये ऑक्सीजन का त्रि एटॉमिक रूप होता है, यानी कि तीन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, O+O+O=O3, ठीक है। इसका रंग हल्का हल्के नीले रंग का उत्तेजित गैस होता है, ठीक है, उत्तेजक गैस होता है। इसकी गंध होती है, यानी कि आप गंध से जान सकते हैं कि यहाँ पर ओजोन गैस है, ठीक है। तो इसकी गंध तीखी होती है। इसका सर्वाधिक सांद्रण यानी कि सबसे ज्यादा ये कहाँ पर पाया जाता है, 10 से 50 किलोमीटर या फिर 55 किलोमीटर, और अधिकतम उसमें भी सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो 12 से 35 किलोमीटर या फिर 22 से 25 किलोमीटर। हर आपको दो टाइप का देखने को मिलेगा, दो टाइप के बुक में, ठीक है, किसी बुक में 12 से 35 किलोमीटर रहता है, किसी बुक में 22 से 25 किलोमीटर तक, दोनों ही सही है। ए जो ओजोन गैस है इसे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है वो ओजोन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, यानी कि ओजोन के क्षरण में सबसे ज्यादा जो सहायक होती है, जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है, उत्तरदायी जो तत्व होता है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद आता है हैलेंस, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। ओजोन की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी यानी कि यूवी रेज जो होती है उनसे हमें बचाती है, उनको सोख लेती है पराबैंगनी किरणों को, ठीक है, और जो हमारी सतह है उसे बहुत ज्यादा गर्म होने से रोकती भी है। इसके बाद आता है जलवाष्प। तो जलवाष्प क्या होता है, तो पानी जब गर्म होता है तो वो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जलवाष्प कहते हैं। इसमें भी परिवर्तन आता है, ऊंचाई और समय के दौरान इसमें परिवर्तन आता है, ठीक है। ये जल वाष्प जो है वो वाष्पीकृत होकर के गैस बन जाता है, ठीक है, उसके बाद, और ये गैस के रूप में कहा जाता है वायुमंडल, ये जो जल है ये वायुमंडल में गैस के रूप में रहता है, कैसे, कि जो सूर्य की किरणें होती या और भी किसी तरह से जब पानी गर्म होता है तो उसमें क्या होता है, हीट आ जाता है, और ये तब तक गर्म होता है जब तक कि ये भाप ना बन जाए,
ठीक है, पानी तब तक गर्म होता है जब तक कि वो भाप ना बन जाए। भाप बन के क्या होता है कि वो ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, वो तब तक ऊपर जाता है जब तक कि उसके अंदर की जो गर्मी है, ठीक है, उसके अंदर का जो हीट है वो बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए। जब वो पूरी तरह से खत्म हो जाता तब क्या हो जाता, संघनन होता, और उसके बाद फिर ये पृथ्वी की सतह में वापस आ जाता है जल के द्वारा, जल के रूप में, वर्षा के रूप में। अब देखिए इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब आप फ्रिज में पानी रखते हैं, ठीक है, तो आप किसी बॉटल में पानी रखते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पर वो ठंडी नहीं होगी या जमेगी नहीं, ठीक है, बर्फ वो नहीं बनेगी रूम टेम्परेचर पर। क्यों? क्योंकि अभी उस पानी में क्या है, हीट मौजूद है, तो जिस वजह से वो जम नहीं पा रही है। हमें उसको जमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस पानी से पूरा हीट को निकालना पड़ेगा, उसमें जितना भी हीट होगा उसको निकालना पड़ेगा। तो हम उसे क्या करते हैं कि हम उसे फ्रीजर में डालते हैं। फ्रीजर में डालने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर का पूरा हीट निकल जाता है। हीट निकलने के बाद वो पानी जो है वो सॉलिड बन जाता है, यानी कि बर्फ बन जाता है, ठीक है। सेम यही चीज वायुमंडल में भी होती है। जब हमारा जल वाष्प जो है वो ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने के बाद जब इसमें से सारा हीट बाहर निकल जाता है तो ये जल बनता है, और अगर इसका टेम्परेचर और भी कम हो जाता है ऊपर जाने के बाद, और कम हो जाता है, तब ये किस चीज का रूप ले लेता है, बर्फ का रूप ले लेता है, ठीक है। सेम यही चीज। और फिर जब आप उस बॉटल को फ्रिज से निकालिएगा तो क्या होगा, फिर से इसमें हीट आएगी, और हीट आने के बाद क्या होगा कि वापस से ये पानी बन जाएगा, नॉर्मल वाटर बन जाएगा। और इसी को अब आप फिर से गर्म करिए, तब तक आपको इसको गर्म करना पड़ेगा जब तक कि ये भाप बनकर उड़ ना जाए। भाप बन के जब उड़ जाएगा, आपको एक बार देख लीजिएगा, ट्राई करिएगा कि कोई आप पानी बॉईल कर रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर से कोई ढक्कन को आप लगा दीजिए, आप उसमें से उस पानी को पूरा भाप बना दीजिए, ठीक है, वो जो भाप है वो उस ढक्कन में लगेगा, ठीक है। अब उस बर्तन को पूरा ठंडा होने दीजिए, जब उस भाप से पूरी तरह से हीट बाहर निकल जाएगी तब वो भाप वापस से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी पानी को अब आप जा करके फ्रीजर में डाल दीजिए, जब उससे और भी ज्यादा हीट निकल जाएगा तो वो बर्फ में बदल जाएगी। तो इसी तरह से ये जो जल वाष्प है ये कन्वर्ट होते रहता है, ठीक है। तो यही होता है जल वाष्प की, जल जो है वो उसमें हीट होती है, हीट होने के बाद वो गैस बन जाता है, ठीक है। और तो ये जल जो है वो वायुमंडल में गैस के रूप में रहता है, संघनन की क्रिया के द्वारा ये वापस से पृथ्वी की सतह में आता है। जल वाष्प की मात्रा जो है वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती जाती है, ठीक है। ध्रुवों की ओर जो जल वाष्प की मात्रा है वो कम होती है, जबकि भूमध्य रेखा की ओर जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिंपल सा है कि जो इक्वेटर के पास, इक्वेटर के पास अत्यधिक वाष्पीकरण होता है, उसका रीजन है कि वहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। पोलर रीजन में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिस वजह से वाष्पीकरण नहीं हो पाता, इस वजह से वहां जल वाष्प भी कम होता है। अब देखिए जल वाष्प वायुमंडल में जो जल वाष्प होता है, जल वाष्प गैस बनता है, गैस से फिर द्रव बन जाता है। अब ये दो प्रकार से होता है जल वाष्प, वाष्पीकरण भी होता है इसका और संघनन भी होता है। वाष्पीकरण के द्वारा क्या होता है कि वायुमंडल में नमी आ जाती है, ठीक है। जब भी कोई पानी, जब भी पानी भाप बनकर के उड़ता है तो उसमें क्या होता है कि जो वायुमंडल है उसमें नमी आ जाती है, फिर जल जो है वो परिवर्तित होकर के गैस में बन जाता है। हीट एनर्जी वर्किंग एनर्जी में, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा जो है वो कार्य ऊर्जा में बदलती है, परिवर्तित होती है, और ठंडी सतह, और जहां का वाष्पीकरण हो रहा है वहां ठंडी सतह रहती है। इसमें क्या होता है संघनन में कि जो गैस रहता है यानी कि जल वाष्प जो रहता है वो जल में परिवर्तित होता है, और इसमें उल्टा होता है, कार्य ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आता है ठोस या धूल कण, जिसे हम लोग एरोसोल भी कहते हैं। तो वायुमंडल में जो निलंबित कणिकीय पदार्थ होते हैं या तरल बूंदे होती हैं, तो इन सब को सम्मिलित रूप में हम एरोसोल या धूल कण या ठोस पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जो भी डस्ट पार्टिकल्स हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, धूल कण, ठोस या एरोसोल। क्या कहते हैं? धूल कण, ठोस या एरोसोल, ठीक है। जैसे कि ज्वालामुखी के द्वारा जो राख निकलती है, धूल निकलता है, धुआं निकलता है, रेगिस्तानों से जो रेत कण उड़ते हैं, चट्टानों में जो अपक्षय होती है तो उससे जो शैल कण निकलते हैं, नमक का कण, उल्का कण, जैविक पदार्थ, धुआं, कालिक, ये जितना भी है वो सब क्या है, धूल कण है, ठोस है या एरोसोल है, ठीक है।
तो यही जो सूर्य की किरणें जब इन्हीं डस्ट पार्टिकल से टकराती है, तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इनके साइज के अकॉर्डिंग ये या तो अवशोषित हो जाती है, या परावर्तन इसका हो जाता है, या फिर विसरण हो जाता है, ठीक है, यानी कि चारों तरफ फैल जाता है। तो इस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग सूर्य तप पढ़ेंगे तब इस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिविजन करवा देती हूँ शुरू से। तो हम क्या पढ़ रहे थे, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे थे। तो क्लाइमेटोलॉजी वायुमंडलीय विज्ञान, जिसके तीन पार्ट्स होते हैं, एरोलॉजी, मेट्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी। उसमें से हम एक पार्ट पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी, जो कि वेदर कंडीशंस का रिजल्ट होता है, जिसे हम आगे चल करके अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी में भी वर्गीकृत कर देते हैं। इसमें हम पढ़ रहे थे वायुमंडलीय संगठन, संगठन प्लस संरचना, संगठन जिन चीजों से मिलकर बना है, संरचना जैसी दिखाई देती है। वायुमंडल क्या होता है, तो पृथ्वी के चारों तरफ कई सौ से कई हजार किलोमीटर जो व्याप्त गैसीय आवरण होता है उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। अब ये जो संगठन होता है, ये इसके तीन तत्व होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। गैस भी दो प्रकार के होते हैं, स्थिर गैस, अस्थिर गैस। स्थिर गैस जिसका प्रतिशत बदलता नहीं है, अस्थिर गैस जिसका प्रतिशत बदलता है। उसके बाद एक और आता है गैस, इनएक्टिव गैस, जो कि रिएक्शन नहीं करता, जैसे ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन और गैस। नाइट्रोजन गैस, ये इसका जो है ये वायुमंडल में सात रूप में पाई जाती है। इसकी खोज 1772 में रदरफोर्ड ने की थी, और ये एक स्थिर गैस है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। इसका प्रतिशत 78.8% होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के सममंडल का निर्माण करते हैं, और ये इसका सबसे अधिक विस्तार 100 किलोमीटर तक पाया जाता है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, ये अत्यधिक सक्रिय गैस होती है, 0 से 120 किलोमीटर तक पाई जाती है। ह्यूमन रेस्पिरेशन में अत्यधिक आवश्यक होती है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती है, और इसका प्रतिशत जो है लगभग 21% पाया जाता है, यानी कि 20.94% पाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी खोज 1752 में की गई थी। ये एक अस्थिर गैस या फिर परिवर्तनशील गैस है। इसका प्रतिशत 0.03 से 0.04% है। ये दो चीजों में प्रभावी होती है, एक मौसम में भी और दूसरा जलवायु। ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का निर्माण करने के लिए सबसे आवश्यक होती है या प्रभावी होती है। ग्रीन हाउस गैस में इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, जिससे कि हमारी पृथ्वी का तापमान मेंटेन रहता है। अगर ये उच्च हो गई तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा होगा, अगर निम्न हो गई तो वैश्विक वैश्विक शीतकरण हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। औसत 90 किलोमीटर तक पाई जाती है, सबसे अधिक विस्तार 20 किलोमीटर में होता है। उसके बाद आता है कार्बन सिंक या फिर कार्बन कुंड। जब समुद्र के ऊपर का जो वायुमंडल होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, तो समुद्र उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अवशोषित कर लेता है, जिसे हम कार्बन सिंक या कार्बन कुंड कहते हैं। सबसे बड़ा कार्बन सिंक ओशन के ऊपर जो है वो प्रशांत महासागर है, और रेन फॉरेस्ट में जो है अमेज़न का जंगल है। उसके बाद हम पढ़ रहे थे ओजोन। तो ये एक अस्थिर गैस है, इसे पृथ्वी की छतरी कहा जाता है। ये यूवी रेस को पृथ्वी पर आने से बचाता है। ये ऑक्सीजन का त्रि एटॉमिक रूप होता है, इसका रंग हल्का नीला, और एक उत्तेजक गैस होती है। इसकी गंध तीखी, और सबसे ज्यादा ये 12 से 35 या 22 से 25 किलोमीटर में पाया जाता है, और इसका सांद्रण 10 से 55 किलोमीटर तक होता है। इसको प्रभावित करने वाले गैस है CFC। उसके बाद आता है जलवाष्प। जलवाष्प क्या होता है कि ऊंचाई और समय के साथ ये परिवर्तित होते रहता है। उसके बाद आता है हमारा धूल कण, यानी कि वायुमंडल में जितने प्रकार के डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, धूल, राख, धुआं, ये सब क्या होते हैं, धूल कण, या फिर इनको एरोसोल भी कहा जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो, ये जो चैप्टर था वायुमंडल का संगठन, ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तब तक के लिए टेक केयर।